And Home Minister Amit Shah, while attending the ET Now's Global Business Summit, during his speech, lashed out at the opposition, raked up the UPA era scam, spoke about the differing agendas of the BJP and the opposition. Beyond this, he also spoke about the intent of the CAA and said that it would be implemented in the country before the Lok Sabha elections of 2024. इनको मालूम नहीं है कि इनके समय के जितने भी घोटाले थे, कॉल ब्लॉक का हो, कॉमनवेल्थ का हो, 2G का हो, शारदा चिट फंड हो, INX मीडिया हो, अंतरिक्ष देवास हो, लैंड फॉर जॉब हो, पंचकुला और गुड़गांव का घोटाला हो, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला हो, एम्ब्रायर डील का घोटाला हो, सबमरीन का घोटाला हो, ये सारे घोटाले एज अ विपक्ष हमने संसद में उठाए थे, कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने जांच ऑर्डर की थी। इस देश की अदालतें बंद हो गई है क्या? मैं मानता हूं कोई ज्यादा सस्पेंस नहीं बचा है। इवन जिनके साथ हम जिनके सामने हमें चुनाव लड़ना है वो भी संसद में आश्वस्त दिखते हैं कि इस बार ओपोजिशन में ही बैठना तय है। कोई कंफ्यूजन उनके मन में भी नहीं। देखिए, चुनाव एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन नहीं है, ये चुनाव घोर निराशा और उज्ज्वल भविष्य के बीच में है। ये चुनाव भ्रष्टाचार से युक्त शासन और जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन से, और विपक्ष कितना भी कंफ्यूजन फैलाने का प्रयास करे, देश की जनता ने अपना एजेंडा तय कर दिया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में 2037 में पूर्ण विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का सृजन करना है, जिस भारत की नींव हमारे कल्चर, हमारी परंपराएं और हमारी भाषाओं के साथ हो। सीए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और चुनाव से पहले के बाद पहले ही होगा, चुनाव के पहले ही सीए को अमल में आना है। और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, सीए किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के पेट में क्या दुख रहा है? ये दुख रहा है कि व्हाइट पेपर से उनके घोटाले उजागर हुए हैं। व्हाइट पेपर से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। सबसे पहला जीप घोटाले से देश में घोटाले की शुरुआत हुई, 1948 में हुई, फिर खजाना घोटाला 51 में हुआ, उसके बाद साइकिल आयात घोटाला भी 51 में हुआ, इसके बाद बोफोर्स, नगरवाला, मारुति, HWL, आदर्श सोसाइटी, भोपाल गैस, लुइस बर्जर, तेलगी, तेल माफिया, ढेर सारे घोटालों की सीरीज, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले कर जनता के अंदर एक भयंकर निराशा का माहौल बनाया।